हेलो स्टूडेंट्स, केम छो? मजा मा? ओके, चैप्टर 7 आज नो आपनो टॉपिक छे एसी परिपथ मा पावर अने पावर फैक्टर। आगना लेक्चर्स नी अंदर आपने मात्र आर, मात्र एल, मात्र सी, एल सी आर, एल सी दोलनो बधानी विगतवार माहिती लीधेली छे। तो एना परथी आपने आजे पावर समझवो खूब सरल रहेशे। पावर एटले के वोल्टेज अने प्रवाहनो गुणाकार। तो एल सी आर अहीं जे परिपथ लेवामां आवशे ते हशे एल सी आर परिपथ। एल सी आर परिपथनी अंदर प्रवाहनु सूत्र छे आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई अने वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी छे। ओके, ज्या फाई ए वोल्टेज अने प्रवाह वच्चेनो कड़ा तफावत छे। तो आम कोई पण सप्लाय माथी मळतो पावर पी बराबर वी इंटू आई थाय, ज्या V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइ थाय। हवे आने रीअरेंज करो तो पहला Vm पछी Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइ इंटू साइन ओमेगा टी। मैथमेटिक्स नी अंदर एक सूत्र छे कि एस प्लस एस होय तो बने टू एस सी, एस माइनस एस होय तो बने टू सी एस। एस बतावे छे साइन, सी बतावे छे कोसाइन। एवी ज रीते सी प्लस सी होय तो टू सी सी बने अने सी माइनस सी होय तो माइनस टू एस एस बने। सी मतलब कोसाइन, एस मतलब साइन। तमारी पासे जे समीकरण छे तेमा बे साइन नो गुणाकार छे, साइन इंटू साइन। तो જ્યારે બે સાઈનનો ગુણાકાર હોય ત્યારે તમારે વધારામાં માઇનસ 2 ની જરૂર પડે છે। તો માઇનસ 2 વડે આપણે આ સમીકરણને ગુણીએ અને માઇનસ 2 વડે આ સમીકરણને ભાગીએ। સાઈન ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ ઇન્ટુ સાઈન ઓમેગા ટી, માઇનસ 2 વડે गुणो माइनस बे वड़े भागो। हवे अहिया जे टू एस एस छे तेमा एक वार खूणाओनो सरवाळो करीशु, एक वार खूणाओनी बादबाकी लईशु। माइनस वी एम आई एम बाय टू, लेट मी चेक के देखाय छे, यस माइनस टू एस एस कॉस। अहीं आपने बे खूणा आपेला छे ओमेगा टी प्लस फाइ अने ओमेगा टी। तो पहला आपणे तेमनो सरवाळो करिए, ओमेगा टी प्लस फाइ प्लस ओमेगा टी अने त्यारबाद आपणे तेमनी बादबाकी लईए। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ माइनस ओमेगा टी, कौंस पूरो।
ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस कैंसल थशे तो माइनस वीएम आईएम बाय टू पावर पी इज इक्वल्स टू माइनस वीएम आईएम बाय टू कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ट्वाइस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव हम एनी जरूर नहीं तो अपने ने रवाना करिए ओके आपणे जोईए छे पावर नू सरेराश मूल्य तो सरेराश पावर वीएम आईएम महत्तम मूल्यों माटे क्यारे सरेराश होतु नथी कॉस ट्वाइस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस फाइव जेनी अंदर आ पद में समय छे अने जे दर्शावे छे के कॉस ट्वाइस ओमेगा टी प्लस फाइव नू एक आवर्त पर नू प्रथम लेक्चर याद करजो आवर्त पर नू सरेराश मूल्य शून्य बने छे केटलू बने छे जीरो बने छे तो आम सरेराश पावर माइनस वीएम आईएम बाय टू जीरो माइनस कॉस फाइव कॉस फाइव नी अंदर समय नथी मतलब के ते समय थी स्वतंत्र छे अचल पद छे तो आम सरेराश पावर पी बराबर वीएम आईएम कॉस फाइव बाय टू एक आ समीकरण बने छे બીજું સમીકરણ એવું બને છે કે આપણે આ બે ના બે ટુકડા કરીએ વીએમ આઈએમ કોસ ફાઈ બે ના બે ટુકડા કરો બે ના બે ટુકડા કેવી રીતે થાય તો રૂટ ટુ રૂટ ટુ હવે વીએમ બાય રૂટ ટુ આઈએમ બાય રૂટ ટુ વીએમ બાય રૂટ ટુ ને કહેવાય છે વી આર એમ એસ आई आर एम एस कॉस फाइव कोई वी आर एम एस ने कैपिटल वी लखे छे आई आर एम एस ने कैपिटल आई लखे छे कॉस फाइव ओके तो आ छे तमारा पावर ना सूत्रों के जे तमारे एग्जाम माटे खास याद रखवाना छे के पावर केवी रीते जनरेट थाय छे एलसी परिपथ में હવે આપણે સમીકરણ લઈએ કે I બરાબર V બાય Z છે તેના પરથી આપણને V બરાબર IZ મળે છે V બરાબર શું મળે છે IZ અહીંયા મૂકી દો V બરાબર IZ IZ તો થાય पावर P इज इक्वल्स टू आई जेड इंटू आई कॉस फाइव पी इक्वल्स टू आई स्क्वेर जेड कॉस फाइव अथवा तो आपणे कैपिटल आई लीए कैपिटल वी यूज करिए बने चाली सके से ओके आई स्क्वेर झेड जे परिपथ में व्यय थतो पावर दर्शावे छे जे परिपथ में व्यय थतो पावर
दर्शावे छे। समीकरण P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेर आर, परिपथ में व्यय थतो पावर अपने खबर छे पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वेर आर, पण ज्यारे एल सी आर त्रणे त्रण परिपथना जोड़ाणमां होय छे त्यारे परिपथमां व्यय थतो पावर मात्र आई झेड पर नहीं फाय पर पण आधार राखे छे। मात्र आई झेड पर नहीं फाय पर पण आधार राखे छे। तो आ थयुं पावरनुं सूत्र। ओके, फटाफट आटलू लखी लो, त्यारबाद आपणे केटला खास किस्सा जोईए। चलो फटाफट लखी लो। हवे जोईए केटला खास किस्सा, जेनी अंदर सौथी पहेलो किस्सो लईए के मात्र अवरोध जोड़ेलो परिपथ लो, मात्र अवरोध जोड़ेलो परिपथ लो। जो परिपथ में मात्र अवरोध होय तो Z इज इक्वल्स टू R थाय, तथा वोल्टेज अने करंट एक बीजा साथे समान कड़ा में होवाथी फाय बराबर जीरो थाय। तो आ समय पावर P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेर आर अथवा तो वी आई कॉस जीरो, कॉस जीरो एटले एक, पी बराबर वी आई अथवा तो आई स्क्वेर आर मळे छे, जे परिपथमां व्यय थतो पावर दर्शावे छे। बीजो किस्सो जोईए, मात्र इंडक्टर अथवा तो कैपेसिटर, मात्र इंडक्टर होय मात्र कैपेसिटर होय तो आ कंडीशन नी अंदर फाई इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस पाई बाय टू थाय छे। वोल्टेज अने प्रवाह वच्चे नो जे कड़ा तफावत छे ते फाई इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस पाई बाय टू थाय छे। आ समय पावर पी बराबर वी आई कॉस प्लस और माइनस पाई बाय टू, गम्मे ते लो कॉस पाई बाय टू शून्य आवे, जे दर्शावे छे के परिपथ मा इंडक्टर के कैपेसिटर द्वारा कोई पावर वपरा तो नहीं, मात्र इंडक्टर के मात्र कैपेसिटर द्वारा कोई पण प्रकारनो पावर वपरा तो नहीं, जेटलो पावर खेंचशे तेटलो पावर ते परत आपी देशे, जेटलो पावर खेंचवामां आवशे तेटलो पावर त्या परत आपी देवामां आवशे। नंबर त्रण, अनुनाद समय, ज्यारे अनुनाद थाय छे त्यारे एक्सेल बराबर एक्सी थाय छे, त्यारे एक्सेल बराबर एक्सी थाय छे, माटे तेना वर्थी आपणे टेन फाय लईए तो टेन फाय इज इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सेल छेदमां आर, जे शुं दर्शावे छे झीरो, माटे फाय इज इक्वल्स टू झीरो डिग्री, અને XL બરાબર XC થાય ત્યારે Z બરાબર R થાય। તો આ કન્ડિશનમાં P ઇઝ ઇક્વલ્સ
टू वी आई कॉस जीरो, पी बराबर वी आई अथवा तो आई स्क्वेर आर, जे दर्शावे छे के त्रणे घटक हाजर होवा छता, घटक हाजर होवा छता पावर नो व्यय मात्र अवरोध द्वारा ज थाय छे, जे दर्शावे छे के पावर नो व्यय मात्र अवरोध द्वारा ज थाय छे। ओके, तो आ त्रण तेना मुख्य घटकों छे। ओके, तेना मुख्य किस्साओ छे के मात्र अवरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर होय, त्रणे जोड़ेला होय ते आगळ जोयुं, पण मात्र अनुनाद होय त्यारे शुं। तो आ त्रण परथी आपणने पावर ने क्यारे केवी रीते वापरवो ते खबर पड़शे। ओके, तो आ रह्यो तमारो पावर अने तेना खास किस्साओ, जेनी अंदर आपणे एक मुख्य वात करवानी बाकी रही कि जेना परथी आपणे खास न्यूमेरिकल जोवामां आवे छे, तो ते छे पावर नी अंदर एक विभाग हतो ते हतो कॉस फाय। आ कॉस फाय घणा लोको कॉस डेल्टा लखे छे, जेने पावर फेक्टर तरीके ओळखवामां आवे छे। शेना तरीके ओळखवामां आवे छे? पावर फेक्टर तरीके ओळखवामां आवे छे। ने आपणी पासे जे फिगर हती आना परथी आपणे पावर फेक्टरनुं सूत्र कॉस फाय इज इक्वल्स टू आर बाय झेड मळे छे। शुं मळे छे? आर बाय झेड मळे छे। ओके, हवे आपणे किस्सो विचारीए के अनुनाद थाय छे, ज्यारे अनुनाद थाय छे त्यारे एक्सएल बराबर एक्सी अने झेड बराबर आर थाय छे। आ परिस्थितिमां कॉस फाय इज इक्वल्स टू आर बाय झेड परथी एक मळे छे। કેટલો મળે છે? એક। કોસ ફાયનું મહત્તમ મૂલ્ય અનુનાદની ઘટના વખતે મળે છે, એટલે કે મહત્તમ પાવર ફેક્ટર મળે છે। શું કહે છે? મહત્તમ પાવર ફેક્ટર મળે છે, તો કોસ ફાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર બાય ઝેડ, એક્સી માઇનસ એક્સએલ એ સાઈન આવે, સાઈનની આપણે જરૂર છે નહીં, માત્ર ઇન્ડક્ટર હોય માત્ર કેપેસિટર હોય તો એ પ્રમાણે તમારા પાવર ફેક્ટરના મૂલ્યો બદલાતા જશે। તો પાવર ફેક્ટર પણ એક અગત્યનો ઘટક છે તમારા પાવર માટે। ઓકે, પાવર ફેક્ટર એક અચળ મૂલ્ય ધરાવે છે પરિપથમાં, જે સમય સાથે આધારિત નથી। ओके, तो आ रह्यो तमारो पावर अने पावर फेक्टर नू सूत्र। क्लियर? बधी ज विगतो आपणे आवरी लीधेली छे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।